मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। मेरा नाम है जे और आप देख रहे हो जे सिंह व्लॉग्स। अभी हम हैं 20-25 किलोमीटर्स अप हिल फ्रॉम ऋषिकेश, मोहन चट्टी नाम की जगह है, वहाँ पे हम हैं। वी आर इन सोस्टल प्लस ऋषिकेश राइट नाउ, और हम अभी सुबह सुबह जा रहे हैं एक छोटे से ट्रैक के लिए, हाइक के लिए कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रैक, एक नेचुरल पूल है वहाँ हम जा रहे हैं। ये हमारा हॉस्टल, ये हमारा रूम, मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ अ व्यू अब इस प्रॉपर्टी, हाई बढ़िया प्रॉपर्टी है, कल मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाई थी। पीयूष अभी रेडी हो रहा है, मैं रेडी हो चुका हूँ, वो हम निकलते हैं ट्रैक के लिए। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइस हम भी निकल गए, नहाया वाया कुछ नहीं है, बस कपड़े जींस कर लिए। ये देखो इसको, नहाया वाया कुछ नहीं है, ये नहीं आया बिल्कुल। शिवान हमारा काट रहा है। अरे इसको भी नहीं काट रहा है यार। 1.5 किलोमीटर बोल के 3 किलोमीटर चला चुका ऑलरेडी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको खुद नहीं पता कितना चल गया ये। यार मैच में कमजोर थे क्या तुम? एक्स्ट्रा चल लोगे कुछ होएगा यार, इस तो नहीं होगा तो क्या, तो वापस जाएंगे नहीं, कर तो लेंगे ही कुछ भी हो जाए, इसीलिए पहले बोल के ले आता है, पहले वापस पहुंच तो जाता। पूरा नहीं खत्म कर रहा है, 5-6 लोग हैं साले। थोड़ा थोड़ा ये सब फंसते हैं ना वहाँ पे, हम जंगल वंगल में थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, सबके लिए बचाना चाहिए। केले ले ले, केले काम आएंगे तेरे, एनर्जी चाहिए थोड़ी देर में। बस ये उतरते ही आपको ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के नीचे आना है बस। ये तो वहाँ भी था, हमारे हॉस्टल के पास भी सेम चीज। वही घुमा के वहीं ले आए, टेंशन मत करो, हमारा हॉस्टल। पहुँच गए अपने नेचुरल पूल, मुझे तो नहीं दिख रहा नेचुरल पूल। अरे ये पूल नहीं है ना, ये तो अभी स्ट्रीम हो गई है, पता नहीं कहाँ उतार रहा है। मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ, मुझे पता है 2 किलोमीटर चल चुका, 4। वो तो गूगल मैप तो ऊपर नीचे करता ही है यार, गूगल मैप तो ऊपर नीचे करता ही है। मैं नो आइडिया कहाँ जा रहा है। पूल इधर, गाइस ये ऊपर बढ़िया सा ब्रिज, और हमारे पीयूष ब्रो भी ड्रोन उड़ाएंगे, सेटिंग कर रहे हैं ड्रोन की। अभी हम जाने वाले पानी में, तो आप थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। क्या चाहते हो, क्या करेगा? अच्छा मतलब ब्लॉक के ले लूं या उसके ले लूं? वर्टिकल ना, ब्लॉक ब्लॉक के ले ले, ब्लॉक तो यहां से वहां कर रहा है बस, कुछ नहीं है भाई। बारिश होने वाली है, बादल आ गए, सेल्फी लेते यार। तो गाइस नहाते नहाते बारिश चालू हो गई है, थोड़ा भागने का टाइम हो गया है, फोन वोन सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ वहाँ डाल के। और ये भी माहौल है यहाँ का, बारिश बारिश, ये है हमारे गाइड कम होस्ट कम एवरीथिंग, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। चलो गाइस धीरे धीरे चल पहुँचते अपने हॉस्टल, फिर आप लोगों से मिलते हैं। बैक टू आवर प्रॉपर्टी, ठीक है ऊपर से नीचे तक ट्रेन, अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट भी करना। आज एनर्जी नहीं है ब्लॉग करने की। गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट, सारा ये अकेले खाएगा, आ जाओ। पूछना पड़ेगा तोड़ तोड़ के, एक एक बाइट लेके देखना पड़ेगा कौन सा पराठा कौन सा है। दोनों को तो बारिश हो गई, अपन
और अभी हमारा प्लान बन रहा है ऋषिकेश जाने का। पीयूष नहीं जा पाएगा हमारे साथ क्योंकि उसकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, तो मैं और यहाँ पे जो दोस्त अभी मिले हैं उनके साथ जाने वाले हैं। सो हम जाने वाले हैं नीर वाटरफॉल, उसका छोटा सा ट्रैक है 10 से 15 मिनट का, वो अगर बारिश नहीं हुई तो करेंगे। अगर पहुँच पाए वहाँ तक तो आप लोगों को नीर वाटरफॉल भी दिखा देंगे। मैंने पहले ऑलरेडी कवर किया हुआ है नीर वाटरफॉल, सो सुंदर है। और पानी भी इस बार शायद थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज मानसून का सीज़न चल रहा है। तो बस निकलते हैं। अभी यहाँ देखो बढ़िया बादल आ गए ऊपर, मस्त बारिश का माहौल फिर से बन गया है। और बारिश होगी भी, आई गेस वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि बारिश थोड़ी और होने वाली है शाम के आसपास। उससे पहले जितना कंटेंट शूट कर सकते हैं कर ले रहे हैं। आज शाम को शायद हम पूल में भी जाएंगे, मेरा मन तो है पूल में जाने का। पीयूष नहीं जाने चाहता है पूल में, बट पीयूष मना कर रहा है पूल वूल के लिए, बट मैं कुछ देखता हूँ, मन करता है तो घुस जाऊँगा। गाइस हम पहुंच गए हैं नीर वाटरफॉल, ये रास्ता जाता है ऊपर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज मंडे है फिर भी इतने ज़्यादा भीड़। और मेरे साथ हम पांच लोग, कहाँ के मेरे पांच लोग, एक तो ये है, बाकी तीन लोग और हैं दोस्तों से। चलते ऊपर देखते हैं कितना टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट तो लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, होपफुली जल्दी पहुँच जाए। एंट्री के टाइम पर एक टिकट मिलती है, वो टिकट आपको ऊपर ले जानी पड़ेगी अपने साथ, क्योंकि वहाँ एंट्री पॉइंट पर चेक करता है वो, अगर नहीं होगी ऊपर नहीं जाने देंगे। तो मुझे वापस जाना पड़ा गाड़ी तक एंट्री टिकट लाने। रास्ता वहाँ से लेके वहाँ तक पहाड़ों में, वो लोग वहाँ खड़े हैं, फ्रेंड्स लोग वहाँ रोक के रखा हुआ है सबको। या भैया नीचे बताना चाहिए ना यार कि ऊपर चेक हो गई। गाइस भीड़ देखो यार, क्या भीड़ है, वाह गंदा पानी है यहाँ पे। ये सेकेंड स्टेज है और हम थोड़ा हिम्मत बना के थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक बार ही कर चुका हूँ, मैंने लास्ट ईयर किया था अकेले, 5 लोग हैं साथ में, कर लेते हैं फिर से। भाई स्लिपरी है काफ़ी, गिरने का बहुत ज़्यादा डर, थोड़ा ऊपर। हाय गाइस, हाय गाइस, गिरा मत देना मुझे, हाय करते करते। ये तीसरा स्टेज, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हिम्मत नहीं हमारे अंदर, ये काफ़ी ऊपर है और कोई मज़ा भी नहीं आ रहा मुझे देख के। तो आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय करो, मिलता हूँ मैं आप लोगों को बाद में। छोटा सा ट्रैक करके पूरा नहीं किया हमने, लेट भी हो रहा था और बारिश भी होने वाली है, वो बादल आ गए सारे। सब निकलते हैं, सीधा जाते हैं वापस हॉस्टल, फिर वहाँ चिल करते हैं थोड़ी देर। हम पहुँच चुके हैं वापस अपनी प्रॉपर्टी पे और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और रास्ते में मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और रास्ते बहुत छोटे थे, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, बारिश भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं रास्ते में ब्लॉग नहीं कर पाया। अभी बस कुछ नाश्ता वास्ता करना है, कुछ खाना है, भूख लग रही है बिना खाए। और ये व्यू है सामने का देखो, Look at this lovely view right here. Guys, अभी मैं जस्ट पूल में था, बहुत बढ़िया मजा आया। पूल के शॉर्ट ज्यादा लिए नहीं क्योंकि फोन और ऑब्वियसली पानी में नहीं ले जा सकता। इसको देखो, मजदूर ऑलवेज वर्किंग, ऑफिस एक जगह, ऑफिस का लैपटॉप एक जगह, एडिटिंग का लैपटॉप।